Hello girls, welcome back to my channel Style by Safiya, hashtag Aisha. So today we are making a jumpsuit, like converting a jumpsuit into a cords. So the things which are required are all this: measurement tape, chalk, scissor and a old jumpsuit. So what we have to do is mera ye jo jumpsuit hai, that is jo main pehnti nahi hu because of like ye bahut zyada hi loose hai for me. और मम्मी ने इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा लिया. मैंने क्या किया, इसका जो मिडल का इलास्टिक होता है ना, वो मैंने सबसे पहले निकाल दिया है बिकॉज दैट इज़ व्हाट क्रिएटिंग अ ट्रबल फॉर मी. तो मैंने उसी को पहले निकाला है. एंड इसका जो बैक है, दैट इज़ लाइक कि बैकलेस ही कंसिडर करो इसे. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि अगर आपको बैकलेस ही रखे, वो बैकलेस एरिया में नेट भी लगाना है तो यू कैन डू दैट और यू कैन कीप इट एज इट इज़. और मैंने क्या किया, इसके दो सेक्शंस कर दिए बिकॉज मुझे नीचे पैंट्स रखना था और ऊपर इसको एज अ क्रॉप टॉप रखना था. तो मैंने दोनों पार्ट को कट कर दिया है एंड अलग कर दिया है. तो पहले हम वर्क करेंगे पैंट्स पर. पैंट्स मुझे बहुत लूज है, लाइक मेरा साइज़ नहीं है. तो जो मेरे साइज़ लाइक जो मुझे टाइट होती है पैंट, मैंने वो रखा है. एंड ये पैंट जो मैंने रखा है पिंक वाला, ये ऊँचा है मुझे. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ स्टार्टिंग का अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 इंच मैंने छोड़ दिया है एज इट इज़ ही जितना, क्योंकि बेल्ट के लिए. और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें मैंने सिर्फ पिंक के हिसाब से 1 इंच रख कर कट किया है, ठीक है, बिकॉज सिलाई में भी जाना है और मुझे एकदम टाइट पैंट नहीं चाहिए, थोड़ा भी लूज रहे तो बेटर है, ठीक है. फिर वो मैंने एक नॉर्मल लंबा प्लेन मतलब स्ट्रेट कट किया है. एंड मैंने क्या किया, इसका जो लंबाई है दैट इज़ टू लॉन्ग. तो मैंने ये जो पिंक है ये मुझे ऊंचा होता है, तो इसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली मेरे 4 फिंगर्स रखने के बाद जो पार्ट बचता है वो मैंने कट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ मैंने उसको कट कर दिया है. घर में बैठे करना क्या है, सब ओल्ड क्लोथ्स को कट करें, कुछ न्यू बनाए. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज़ ये जो रिमेनिंग पार्ट, जो ये सेक्शन मैंने कट किया है साइज वाला, तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने लाइक नॉट्स बांधने के लिए, जो मेरे बेल्ट पे नॉट्स बांधने, मैंने इलास्टिक नहीं रखना है बेल्ट में बिकॉज इलास्टिक से झोल आ जाता है एंड आई डोंट लाइक दैट. और घर में जो चीज़ें हैं मैं उसी से इसे बना रही हूँ. व्हाट आई डिड इज़ ऊपर का मैंने फोल्ड कर दिया है ऊपर वाले साइज को और साइज वाले पर सिलाई मारा है, साइज कॉर्नर्स पर ऊपर वाले सेक्शन को फोल्ड करके बीच में मैंने गैप, कॉर्नर के साइड्स पे देखिए मैंने गैप रखा है फॉर नॉट्स, दोनों साइड्स पे रखा है कि मैं दोनों साइड से नॉट्स बांधूंगी जिसमें झोल नहीं आता है. इस वजह से अगर मैं इलास्टिक रखती थी तो फॉर श्योर ये पैजामा लगता था जो रात में पहनने के लिए हो जाता था, ठीक है. अगर और जो ऊपर का टॉप है मेरा, दैट इज़ ऑलरेडी वो स्टिच है, बस मुझे उसको साइड से सिलाई मारना है कि वो मुझे फिटेबल हो, ठीक है. और अगर आप चाहो तो ये बीच वाला पार्ट है उसको कट कर सकते हो और उस पर लाइक टाका या समथिंग यू कैन कीप एनीथिंग. मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जो ये साइड्स है उसको फोल्ड करके ब्रूच लगाऊंगी. सी दिस इज़ द वे इट लुक लाइक्स. मैंने साइड्स में नॉट्स रखा है एंड मैंने यही कपड़े के नॉट्स बनाए हैं जो मैंने साइड्स में फाड़े थे, मैंने आपको बताया. सो दिस इज़ द वे इट लुक लाइक्स. कुछ ज़्यादा ही हमारी फैमिली के हिसाब से ओवर हो गया, बट ओके. I'll wear a jacket, denim jacket on it because घर वाले तो allow नहीं करने वाले, नो 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 नो, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है. So bye girls.